हेलो फ्रेंड्स, TNZF चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में सेल ऑफ लिकर पूरी तरीके से बैंड है, क्या शराब की बिक्री पर पाकिस्तान ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिससे उनके देश में किसी भी प्रकार के शराब या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के तत्वों की बिक्री है। हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। दरअसल बात 1977 की है, जब पॉपुलिस्ट पार्टी के जुल्फिकर अली भुट्टो की गवर्नमेंट का कई राइट विंग और कई रिलीजियस ग्रुप्स ने पाकिस्तान में विरोध कर दिया कि उनकी सरकार शराब की बिक्री को बढ़ावा दे रही है और वो इसी का उपयोग अपनी सरकार का कार्यकाल बढ़ाने में कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए अप्रैल 1977 में जो जुल्फिकर अली भुट्टो हैं, उन्होंने एक प्रकार का बैन लगा दिया कि किसी भी प्रकार की शराब या उससे जुड़े हुए कोई भी पदार्थ सेल नहीं करे जाएंगे। इसी डिसीजन को उन्होंने और भी अच्छे से रिव्यू किया जब उन्होंने सारे बार और जितने नाइट क्लब्स थे, जितने होटल्स थे जहाँ पर लिकर की सेल हो रही थी, उनपे भी बैन लगाया। बैन लगाने वालों में से उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे फाइनेंसर्स भी थे जिनका बड़े से बड़े होटलों का बिजनेस था पाकिस्तान में। उनमें से ही एक तुफैल शेख नाम का बिजनेसमैन था जिसका कराची में एक नया कसिनो खुलने वाला था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कसिनो खुलने वाला था। तो इस प्रकार के बैन ने तौशिफ शेख के अरमानों पर पानी फेर दिया और धीरे धीरे सरकार ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया शराब की बिक्री को लेकर। पर भुट्टो के इस ऑर्डर को लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया, वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। 1977 में बैन जरूर लग गया पर उसके बाद भी बैकडोर से लिकर की सेल बंद नहीं हुई। जितने भी नाइट क्लब्स और जितने भी बार्स या जितने भी लिकर के स्टोर थे, उनमें बैकडोर से लिकर या शराब मिलती रही। उसके बाद जब 1979 में जियाउल हक ने जब भुट्टो को सरेआम हैंग कर दिया और उनको मर्डर के लिए दोषी ठहरा के उनका ट्रायल कर दिया गया, तो 1979 में जियाउल हक जो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी थे, वो पावर में आते हैं और उन्होंने 1979 में पूरा इस्लामिक जो उनका पूरा प्रोपेगेंडा था उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाना शुरू करा। और धीरे धीरे उन्होंने इस्लाम के में जो चीज़ हराम मानी गई है उस पर भी उन्होंने अपना कार्य करना शुरू करा। धीरे धीरे जियाउल हक ने ये एक संदेश दे दिया पाकिस्तान को कि हमको इस पूरे पाकिस्तान को एक इस्लामिक, प्योर इस्लामिक प्रोविंस में बनाना है जहाँ पर इस्लाम में कही गई हर एक बात को अच्छे से फॉलो किया जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो जब जियाउल हक की जब गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई, तब पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन जो हुआ, इस्लामाइजेशन अगर हम अंग्रेजी शब्द समझें तो वो असलियत में जियाउल हक के टाइम में पाकिस्तान में शुरू हुआ। उसके बाद फरवरी 1979 में जियाउल हक की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसमें कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लिकर को तवज्जो दिया गया और ये ऑर्डिनेंस को बहुत जल्दी लॉ बनाया गया और पूरे पाकिस्तान में लिकर ऑफ सेल को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। उस ऑर्डिनेंस में ये मेंशन करा गया कि मुस्लिमों को शराब बेचना इस्लाम के विरुद्ध माना गया है और ये पूरी तरीके से एक जुर्म माना गया है जो कि अपने आप में सज़ा को न्योता देता है। और इसी कानून ने कई ऐसे प्रावधान बनाए कि अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई भी आदमी शराब को बेचता या पीता पाया गया तो उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस ऑर्डिनेंस के बाद पाकिस्तान में एक तरीके से नई क्रांति आ गई। जितनी भी लिकर स्टोर्स थे या जितने भी लाइसेंस अगर मिल भी रहे थे कहीं से भी, तो वो सारे के सारे गैर मुस्लिम समुदाय के होते थे। मुस्लिमों को एक तरीके से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था कि आप शराब के बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो 1980 से लेकर अगर हम 2008 तक की बात करें, जब परवेज़ मुशर्रफ पावर में आते हैं, तब तक एक कंप्लीट बैन लगा पाकिस्तान में कि किसी भी प्रकार का शराब या उससे रिलेटेड कोई भी आइटम सेल नहीं कर सकते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग। पर 2008 में जब परवेज़ मुशर्रफ की सरकार आती है तो एक बार फिर सेल ऑफ लिकर को थोड़ा सा लीनियंट कर दिया गया। कंप्लीटली बैन अभी भी नहीं हटा, बट लाइसेंस एक्वायर करने के प्रोसीजर में थोड़ी सी ढिलाई या बैकडोर जो सेल लिकर की हो रही थी उसको धीरे धीरे और ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो 1979 से 2008 तक का जो टाइम रहा है, इसमें जो लिकर थी उस पर कम्प्लीटली बैन था, बट पाकिस्तान में इलीगल जो लिकर था उसका प्रोडक्शन और बढ़ गया और जो शराब के अलावा जो और भी मादक पदार्थ थे जैसे हेरोइन, पाकिस्तान में हेरोइन का नंबर दो पे माना गया है पाकिस्तान को वर्ल्ड में कंजम्पशन ऑफ हेरोइन के मामले में। तो शराब की ऊपर बैन लगाकर पाकिस्तान ने दो नई प्रॉब्लम्स को और पैदा कर दिया। एक तो इलीगल शराब बनने लगी जिससे कि डेथ्स का रेट बढ़ने लगा, लोग मरने लगे उस जहरीली शराब को पीकर। और शराब के एवरेज में अगर शराब नहीं मिल रही है तो जो ऑप्शन में मौजूद जो ड्रग्स हैं उसको भी लोग कंज्यूम करने लगे। तो इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ गया। आपको यही बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी PIL भी फाइल हुई है कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिन गया है जब से लिकर स्टोर्स बंद हो गए हैं, नाइट क्लब्स बंद हो गए हैं, कोई भी होटल्स बंद हो गए हैं। तो लोगों का जो नॉन
मुस्लिम्स कम्युनिटी है उन पर बहुत बड़ा बेरोज़गारी का तमाचा लगा है उनके मुंह पर, लिहाजा इन स्टोर्स को दोबारा शुरू करा जाए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और उनकी लाइवलीहुड मिल सके। तो अगर करंट सिनेरियो दोस्तों देखें तो पाकिस्तान में वैसे तो पूरी तरीके से हर राज्य में या पाकिस्तान के हर पार्ट में अल्कोहल बैन है, पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ हिस्से ऐसे आज भी हैं जहाँ पर आपको शराब ईजिली मिल सकती है, और ज़्यादातर जो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे ड्रग्स बहुत मिलते हैं, मतलब शराब का जो अगला ऑप्शन माना है इन लोगों ने वो ड्रग्स को माना है, तो ड्रग्स यू कैन गेट वेरी इजीली देयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे भी ऐसे चौंका देने वाले तत्व आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।